हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। तो अभी संडे है, आज ही हम लोग वापस आए हैं निनबिंग से और आज हम लोग जा रहे हैं इंडियन स्टोर। आप लोगों को भी यहाँ के इंडियन स्टोर का टूर कराती हूँ। अंशुल बोलते हैं यहाँ पे इंडियन स्टोर कैसे हैं? देख लो, मेरे घर से छोटे इंडियन स्टोर है। बहुत ही छोटे छोटे इंडियन स्टोर है, बहुत लिमिटेड स्टॉक मिलता है। पता नहीं है, शायद टूरिस्ट लोग ही आते हैं ज्यादा यहाँ इसलिए। बट चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसा है इंडियन स्टोर। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सामान है वो मैं लेकर आती हूँ। आओ दोस्तों, मिलके इंडियन स्टोर का टूर करते हैं हनोई में। ये वाला इंडियन स्टोर हमारे घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स दूर था और इसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे टूरिस्टी लोकेशन है। बहुत टूरिस्ट आते हैं इस जगह पे। अगर स्टोर की बात करें तो स्टोर तो मुझे बहुत ही छोटा सा लगा, वैरायटी बहुत कम थी। क्योंकि यार हम लोगों को आदत है पटेल स्टोर जैसे बड़े बड़े स्टोर से शॉपिंग करने की, जहाँ पे बहुत सारा सामान मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जो सामान अभी मिल रहा है वो आपको 15-20 डेज लेटर जब आप आओ तो मिलेगा ही मिलेगा। सामान आज है, हो सकता है उस टाइम पे ना मिले। और यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बेलन चलते हैं। हमारे घर पे भी ऐसे ही बड़ा वाला बेलन है। एक दो दिन तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई रोटी बनाने में, बट नाउ आई गॉट हैंग ऑफ इट। तो सामान लेकर हम घर पहुंचे, उसके बाद मैं तुरंत लग गई हूँ डिनर की प्रेपरेशन में। आज मैं डिनर में लौकी की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे सब्जियां भी ना बहुत सिलेक्टेड मिलती हैं और कभी कभी मिलती हैं। अभी पास्ट एक हफ्ते से तो मुझे कोई भी सब्जी दिखी नहीं रही है, ना बैंगन दिखा, ना गोभी मिल रही है, ना लौकी मिली। बट उस टाइम पे मेरे पास लौकी थी। और अभी अंशुल और मैं मिलके दोनों अपना किचन का काम करेंगे। दोनों बच्चे अपनी कुछ कलरिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। समहाउ कुछ ग्लिम्स आपको शिकागो के ब्लॉग्स के मिल रहे हैं। आप लोग भी बोल रहे थे प्रिया द ओल्ड टाइम्स आर बैक अगेन। कम्प्लीटली तो नहीं ऑफ कोर्स, हमारी सराउंडिंग्स ये नहीं है, हमारा घर शिकागो में है। बट हाँ, वी एज अ फैमिली ऑफ फोर आर एंजॉइंग आर टाइम टुगेदर एंड आप लोग भी हम लोगों को चारों को एक साथ स्क्रीन पे देख के बहुत खुश हो रहे हो। दैट रियली मीन्स अ लॉट टू अस, सो थैंक यू। और कोई मुझसे पूछ रहा था प्रिया आपके बच्चे लड़ाई नहीं करते क्या? तो दोस्तों मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि इन दोनों में 4.5 साल का गैप है तो ये लड़ेंगे नहीं, बट ये बहुत लड़ते हैं। स्पेशली केशु अगर किसी चीज़ पे जिद कर लेता है तो वो गोविंद के हाथ से लेके ही मानता है। मुझे लगता है छोटे वाले बच्चे ज़्यादा नॉटी होते हैं। तो खैर, अभी दोनों फिलहाल थोड़ा शांति से कलरिंग कर रहे हैं मिलजुल के, तो तब तक हम अपना किचन का काम निपटा लेते हैं। अंशुल और मैं मिलके ही सारे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये सब कुछ मेकशिफ्ट है। मेरे पास कोई मसाला बॉक्स नहीं है, ऐसे जिप लॉक में सब मसाले रखे हुए हैं। अंशुल अकेले के लिए कुछ भी कुकिंग नहीं करते, तो जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा बहुत मन है कि जो जो उनको पसंद है सिंपल बेसिक अपनी इंडियन रेसिपीज उनको बना के अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। आओ दोस्तों, आपको दिखाती हूँ यहाँ के इंडियन स्टोर से मैंने क्या क्या लिया। मैं दो बैग भर के सामान लेकर आई हूँ। यार फैमिली के साथ सामान चाहिए होता है, पता है? ऐसा लगता है कि क्या लगता है, बट नहीं, घर में सामान बहुत लगता है फैमिली के साथ। आपने तो देखा ही है मैं पटेल स्टोर से कितना सामान भर भर के लाती थी। अच्छा, प्राइजेस की बात करें तो ऐसा तो नहीं लगा कि इंडिया के पास है तो सस्ता होगा। मैं ये बोलूंगी प्राइस तो कंपेरेबल है, जितना हम लोग जैसे शिकागो में चीजें खरीदते थे उसी लेवल की महंगाई है यहाँ पे इंडियन सामान के लिए। तो मैं कह सकती हूँ ऑलमोस्ट जैसे पनीर लेके आए हम लोग, 1 किलो पनीर ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 से 13 डॉलर का मिला है। हाँ, मतलब उतने का ही कॉस्को पे मिलता है। आज अंशुल बोल रहे हैं पहली बार इंडियन स्टोर पे उन्होंने पार्ले जी देखे, तो मैंने बहुत सारे पार्ले जी ले लिए क्योंकि बच्चों को ना पार्ले जी सही लगता है। और अभी मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि हम लोग हेलोंग डे जा रहे हैं, तो ये सेवियर होता है, सुबह के टाइम खा लो, बैग में डाल लो, कभी भी दे दो बच्चों को, तो खाया जाता है ये। तो ये मैंने काफी सारे पैकेट्स ले लिए। मैं इंडिया से भी कुछ लेकर आई थी, तुअर दाल घर की खत्म हो रही थी तो एक पैकेट इसका लिया। पहली बार राजधानी ब्रांड की तुअर दाल मिली है। राजधानी ब्रांड का यहाँ पे बेसन भी मिल रहा था पहली बार। हाँ, पहली बार राजधानी ब्रांड की मिल गई हमें दाल। ये दाल कितने की है? राजधानी तुअर दाल $4 की, इतने का ही आता है पटेल स्टोर पे। उसके बाद हमने कुछ नमकीनें ही, अगेन ट्रिप पे जाने के लिए चाहिए होती है नमकीन, हमारे घर में वैसे ज्यादा कोई नहीं खाता, तो ये हल्दीराम का खट्टा मीठा, नवरत्न मिक्स किया, ये ड्राई फ्रूट मिक्स मैं ना अभी भी लेकर गई थी इस वाली ट्रिप पे, ये वाला अच्छा है, बच्चों ने खा लिया था, तो ये वाला एक पैकेट ले लिया मैंने। और मैंने चार पैकेट लिए थे नमकीन के, दो ही तीन ही निकले। सामान चेक करो लिस्ट, तीन थे। अच्छा, फिर रख दी और बदल दीजिए। ये गिफ्ट के मैंने दो पैकेट लिए हैं पालक पनीर के, ये भी मैंने ट्राई करके देखा, ये वाला अच्छा है। हम परसों
अंशिल के कलीग ने हमें बुलाया था लंच के लिए, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में हम गए थे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट वीगन रेस्टोरेंट था यार। यहाँ पे ना खाने में अलग सी स्मेल है। इनफैक्ट अंशिल अपने एक यूएस वाले कलीग को बता रहे थे कि मैं यहाँ पे कुछ खा नहीं पाता इवन इन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो उन्होंने यही बोला कि हम तो नॉनवेज खाते हैं स्टिल हम यहाँ का खाना नहीं खा पाते क्योंकि एक अलग सा फूडिंग कल्चर है यहाँ पर। तो मैं उस दिन लिटरली मैं बच्चे अंशिल सब भूखे आए थे, फटाफट एक गिफ्ट का पैकेट खोला, रोटी बनाई और फिर हमने लंच किया था। तो ये वाले अच्छे हैं, मैंने ट्राई करके देखे थे इसलिए मैं लेकर आई। उसके बाद मैंने कुछ और सामान लिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पन्निया मैं खोल लेती हूँ क्योंकि ये काम बहुत आ जाती है यहाँ पर। ब्रेकफास्ट रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट में लेकर आई हूँ ये पोहा है, बस हमें गर्म पानी ऐड करो और खा लो। इसके बहुत सारे पैकेट्स मैं लेकर आ गई और ऐसे ही एमटीआर का एक में ये उपमा पैकेट ले आई। और आपको याद है मैंने आपको नेस्ले की चाय दिखाई थी लास्ट ईयर जब मेरे मम्मी पापा आए थे, हम लोग ट्रिप पे जाने वाले थे, तो वो रेडी टू मिक्स आप में से किसी ने मुझे सजेशन दिया था, तो सेम ब्रांड की तो नहीं है, बाघ बकरी की मुझे यहाँ पर मिल गई, तो मैं ये वाली लेकर आई हूँ इंस्टेंट मसाला टी, ये वाला पैकेट। इसमें 10 पाउच है एंड आई गेस ये $6 या $7 का हमें मिला है यहाँ पर। तो इसके ना मैंने 3 पैकेट ले लिए क्योंकि जो नेस्ले वाली चाय है वो है मेरे पास अभी यूएस में, उसके बस 4-5 सेशन बचे और हमें ये वाली चाय सही लगती है, तो मैंने इसे 3 ले लिए। और एक केशू का बन था ये मुरमुरे खाने का, उसने अपने आप से पिक कर लिया, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ बच्चों के लिए ना, इसको थोड़ा सा चिवड़ा टाइप कुछ बना के इसको रोस्ट करके घी में, वैसा मैं कल बनाऊंगी आपके साथ शेयर कर लूंगी रेसिपी, वो बना के मैं पैक कर लूंगी। और हाँ मैं पनीर लेकर आई थी, ये 1 kg का पनीर पैक है। पनीर टेस्ट में कैसा है यहाँ का? टेस्ट पनीर का टेस्ट बढ़िया है। अंकल ने घर में पनीर बनाया था जिस दिन हम आए थे, दूध जो मैंने आपको दिखाया था उससे तो सही पनीर बना था, बट ये हम लोग इंडियन स्टोर से ले आए पनीर, पनीर का टेस्ट ठीक है बोल रहे हैं। टेस्ट ठीक है, ये पहली बार मुझे स्टार ऑफ ये कुछ यहाँ ये उसने स्टिकर बाद में लगाया है। अच्छा बाद में लगाया मेरे सामने लगाया है तभी। ये बिल्कुल प्लेन था, फिर उसने अपने उससे बोला कि स्टिकर लेकर आओ, तो उसने मेरे सामने लगाया जब बिलिंग कर रहा था। कभी कभी मैंने स्टिकर वाला पनीर पहली बार, तो स्टिकर वाला पनीर उसने आज मेरे सामने स्टिकर लगाया, तो ये 1 किलो का पनीर हम लेकर आए। सो दिस इज ऑल इंडियन स्टोर का शॉपिंग, आप फटाफट से रखवाओ यार, मेरा ना फिर से ऐसा लग रहा है गला जा रहा है। ठीक है मैं करता हूं, मेरा गला जा रहा है लग रहा है डिनर का। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन जा रही है, बट हाँ डिनर के बाद मैंने 1 कप गर्मा गर्म चाय पी, अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। तो मैंने केशु को बिठाया वाटर कलर्स देके क्योंकि गोविंद अपने डैडी के साथ लूडो खेलना चाहता था। ये नया बोर्ड गेम है जो अंशुल ने गोविंद के लिए मंगा के रखा था, सिंस ये नया गेम है तो उसको सीखना है अभी, उसे सारे रूल्स वगैरह अंशुल पढ़ पढ़ के उसको सिखा रहे थे कि कैसे खेल सकते हैं। ये बोर्ड गेम है, आई थिंक 2 प्लेयर्स up to 5 प्लेयर्स मिलके खेल सकते हैं इस गेम को, और अगर केशु भी इनके साथ लग जाता तो फिर तो हो गया था खेलना पूरा। और जब केशु कलरिंग कर रहा था तो उसके साथ साथ मैंने भी अपने लिए कुछ ड्रॉ किया, घर एकदम खाली है तो मैंने सोचा कुछ पेंटिंग्स लगाऊं घर में, आपको दिखाऊंगी किसी और ब्लॉग में मैंने क्या बनाया है। अभी फिलहाल नेक्स्ट डे की ये क्लिप है शाम की, हम लोग आए हैं ADC स्टोर, ये ना स्टेशनरी स्टोर आप कह सकते हो इसको। हमें अंशुल के कली के लिए कुछ गिफ्ट लेना था, एक्चुअली उनके भी बच्चे हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ सामान ले लेंगे या कुछ टॉयज वगैरह देख लेंगे, बच्चों के लिए कुछ गिफ्टिंग आइटम्स ले लो ना तो वो थोड़ा सेफ रहता है, बड़ों के लिए समझ नहीं आता कि आप क्या गिफ्ट कर सकते हो। उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया था तो हमने सोचा कुछ गिफ्टिंग आइटम लेके जाते हैं, और मैं यहाँ पे टॉयज वगैरह देख रही थी तो मुझे सब बच्चों के टॉयज याद आ रहे थे। सिमिलर टॉयज हैं हमारे घर पे भी, ये अल्फाबेट वाला नंबर वाला गोविंद का रखा है मेरे पास बोर्ड जो केशु भी खेल चुका है, और ये देखो ये कितना अच्छा पजल मुझे लगा था, वुडन पजल। बुक्स वगैरह देखी तो यहाँ पे मोस्टली बुक्स ना वियतनामीज में मिलती हैं, इंग्लिश की बुक्स बहुत रेयरली मिलती हैं, या फिर एक छोटा सा सेक्शन होता है इंग्लिश की बुक्स का। फिर हमने कलर्स वगैरह देखे क्योंकि जिन कलीग की मैं बात कर रही हूँ उनके 3 बच्चे हैं, एक तो 8th grader है, एक 4th grader है और एक 2 years का है, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ कुछ एक चीज़ हो जाएगी तो बच्चों को अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा 4th grader वाले के लिए हम कलर्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये एक्रेलिक मार्कर्स मैं देख रही थी, फिर गोविंद को भी ये पसंद आ गए तो मैंने इसका 2 सेट लिया।
ये कलर्स मुझे भी बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग आए विनमार्ट, हमने सोचा कुछ सब्जियां मिल जाएंगी यहाँ से तो वो ले लेंगे। और ये ना हनॉय का आप ये कह लो वॉलमार्ट है, जहाँ पे सब्जियां और बेसिक जो भी सामान घर में लगता है ना डेली वाला वो मिल जाता है। अच्छा ये कुछ नया फ्रूट मैंने देखा, आई डोंट नो इसे खाते कैसे हैं या कैसे होता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, सब्जियां तो मिली नहीं, बट हाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग अच्छे अच्छे यहाँ से लेकर आए। एंड बैक टू कुकिंग अगेन, डिनर टाइम है। आज अंशुल ने बोला कि वो कुकिंग करेंगे, कुछ अलग टाइप का पनीर बनाएंगे, तो वो कुक कर रहे थे। मैं इन द मीन टाइम जो सामान लेकर आई थी वो आपको दिखाऊंगी, उसके बाद सारा घर सेट करूंगी, सामान वगैरह लगाऊंगी। आज अंशुल का कुकिंग डे है और मेरा रिलैक्सिंग डे है। मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ मैं विनमार्ट से क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो वाटरमेलन, बच्चों का बहुत मन था वाटरमेलन खाने का, तो मैंने सोचा एक पूरा वाटरमेलन ले लेते हैं। कटा हुआ भी मिलता है बट मैं प्रेफर करती हूँ पूरे फ्रूट्स लूँ। ये अदरक आई है, पूरा अदरक का बैग है। अदरक अच्छी है, यहाँ की अच्छी फ्लेवर आ जाता है चाय में। उसके बाद हम लाए धनिया, चीज यहाँ पे ना कभी कभी मिलती है विनमार्ट पे, कभी कभी नहीं भी मिलती है, तो आज मिल गई लकीली। एक पैकेट ले लिया मैंने, बच्चों को पिज्जा खाना है तो पिज्जा बनेगा घर पे। अच्छा मैं आम लाई हूँ, दो वैरायटी के आम लेकर आई हूँ देखने के लिए कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा निकलता है। एक थोड़ा सा ना लग रहा है लूज लूज सा, तो देखते हैं अभी मैं डिनर में साथ में कट कर लूंगी आम को। उसके बाद यार यहाँ पे थोड़ी स्पेस कंस्ट्रेंट है, बट हाँ कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज राइट। शिमला मिर्च लेकर आई हूँ, बहुत काम आती है यार शिमला मिर्च। मेरे फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं थी, अब मैं सारा रिफिल कर रही हूँ। प्याज का एक बैग लेकर आई हूँ, प्याज अच्छा जो हमारी इंडिया वाली होती है ना पर्पल वाली, वो वाली भी थी बट वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैंने कहा यार व्हाइट वाली ले लेते हैं। पर्पल वाली इम्पोर्ट क्वालिटी की कहते हैं, इम्पोर्ट क्वालिटी की होती है। मैं ला चुका हूँ यहाँ पर, एक प्रॉब्लम और है, एक दिन रखने के बाद पूरी गल जाती है। हाँ तो और महंगी भी बहुत ही, तो मैंने कहा यार ठीक है अभी थोड़ा टेस्ट बन गया है व्हाइट वाली का तो वही ले लेते हैं। अच्छा ग्रीन चिलीज की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज रेयरली मिलती है, कभी कभी मिलती है। एक पैकेट लेकर आया हूँ, उसमें से भी एक तीखी लाल मिर्च है, तो पता नहीं कितनी तीखी होगी, मैंने आधी डलवाई है अभी जो सब्जी बन रही है उसमें। खीरे, मुझे खीरे बहुत पसंद है, लंच मेरा खीरों के बिना नहीं होता। उसके बाद हम लाए ये बरिला का नूडल्स, ये पास्ता एज अ पास्ता बनाएंगे हम लोग, तो ये स्पेगेटी पास्ता वही हम। और ये लेकर आए पास्ता सॉस, जो पहले लेकर आए थे विद ऑलिव्स थी वो खत्म हो गई। बच्चे क्या करते थे पास्ता बनाए ना, बनाया इसी वाली सॉस के साथ जो ऑलिव्स आए थे पूरे ऑलिव्स निकाल देते हैं, फिर वो हमें खाने पड़ते हैं, तो आज मैं ये प्लेन वाली लेकर आई हूँ बस टमेटो। ये एक एक्सपेरिमेंट कुकिंग हो रही थी आज हमारी किचन में, एक अलग टाइप का पनीर अंशुल ने बनाया और इट वाज सो यमी। इसकी एक कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी एक और वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपने इस वीडियो को देख के इंजॉय किया होगा, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपको हमारे चारों की जोड़ी वापस से स्क्रीन पर पसंद आ रही है। इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी, Honestly, when I say this, I really mean it. Thank you so much for watching this video. फिर से दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। A lot of you were saying, Priya, वहाँ का local दिखाओ, सामान कैसे खरीदते हैं, कैसे stores हैं. So I'm trying to include everything in my videos. I hope you are enjoying. Take care, bye. Comment करना बिल्कुल मत भूलना.